हेलो नमस्कार। कक्षा 12 के सिलेबस में 161 में डे 161 में और हमारी रे ऑप्टिक्स चल रही है, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाशिक उपकरण की बात कर रहे थे हमने, मानव नेत्र पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, सरल सूक्ष्मदर्शी, अब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इस चैप्टर के जो 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनमें से ये भी एक है, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद दूरदर्शी पढ़ेंगे हम, वो भी इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग पूछ लिया जाता है, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। इसलिए जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। डायग्राम को हम टुकड़ों में इसमें बढ़ाएंगे, आप उसी परफॉर्म में उसी तरीके से आप उसको समझ लें तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में और बढ़ाने में। पहले सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिखा हुआ है, जैसे सूक्ष्मदर्शी है वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम आती है, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी भी यही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ऐसी वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं जिनको हम सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, यानी ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसके द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी, ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जिनसे, जिनको सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, और ये प्रतिबिंब को 5000 गुना बड़ा करके दिखाती है। दूसरी बात आती है इसकी सिद्धांत। सिद्धांत देखो इसकी बनावट में ही आएगा, इसकी जो बनावट हम लेंगे उसी में आएगा सिद्धांत। सिद्धांत में हम क्या लिखते हैं, जैसे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, सरल सूक्ष्मदर्शी किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पहले वो अच्छी तरह से पढ़ लें, अगर वो समझ में आ जाए तो इसको समझने का 70% काम हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस वही है, उसी तरीके से थोड़ा सा चेंज है, उसमें एक लेंस है, इसमें दो लेंस है। यहां इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत में हम क्या लिखते हैं, जो वस्तु को जहां रखा गया है उसका प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं, किस प्रकार का बन रहे हैं, वो व्याख्या ही सिद्धांत होती है सूक्ष्मदर्शी का। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने लिखा था कि लेंस के सामने रखा जाता है, एफ सी और एफ के बीच में रखा जाता है और उसका आवर्धित सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर दो लेंस होते हैं, ध्यान रखें दो लेंस होते हैं, ये बात आप शॉर्ट में लिख लें, दो लेंस होते हैं। एक वो लेंस जिसके सामने वस्तु को रखा जाता है उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं, उसका द्वारक छोटा होता है, उसकी फोकस दूरी कम होती है, उसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट से ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। क्या विशेषता होती है, इसका फोकस दूरी कम होती है, द्वारक का मतलब उसका आकार छोटा होता है और इसके सामने वस्तु को रखा जाता है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा जिसका द्वारक बड़ा होता है, फोकस दूरी तुलनात्मक ज्यादा होती है और जहां से प्रतिबिंब को, अंतिम प्रतिबिंब को हम देखते हैं उसे कहते हैं अभिनेत्र लेंस। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसका उपयोग बायोलॉजी लैब के अंदर किया जाता है, वस्तुओं को देखने में, स्लाइड वगैरह को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी होती है वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है। अब इसको पार्ट में बात करते हैं, हम साथ साथ समझेंगे, साथ साथ लिख लेंगे इसको। तो सिद्धांत की बात डायग्राम के साथ करेंगे। सिद्धांत में इसमें दो लेंस है, एक लेंस है अभिनेत्र लेंस, दूसरा लेंस अभिनेत्र लेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको लिख लें जैसे मैंने बताया वैसे, अभिनेत्र लेंस। इसको कहते हैं आईपीस क्यों कहते हैं, क्यों आई के पास, आई के से जहां से हम देखते हैं, आंख से देखते हैं, उसके पास ये लेंस होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। दूसरा होता है अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, इसको ओ से लिखते हैं और इसको कैपिटल ई से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस क्या है, जिसके सामने वस्तु को रखा जाता है, जिसका द्वारक छोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है, उसे, तीन बातें आपको लिखनी है, वस्तु जिसके सामने रखी जाती है,
द्वार छोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है, उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। जहां से प्रतिबिंब को देखा जाता है, द्वार बड़ा होता है, फोकस दूरी ज्यादा होती है, उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। दो बातें तो ये लेंस के बारे में पढ़ता हूं। अब हम इसके सिद्धांत की बात करेंगे, तो सिद्धांत क्या है इसका? जब वस्तु को इसके सामने रखा, अभिदर्शक के सामने रखा जाता है, तो एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है। अभी हम बात करेंगे कैसे रखा जाता है, कैसे डायग्राम बनता है। एफ और टू एफ के मध्य रखा जाता है, एफ और टू एफ के मध्य रखा जाता है, तो उसका उल्टा वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो जो आईपीस के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। सुन ले एक बार, तो डायग्राम बनाएंगे तब हमें इजी वे में इसका समझ में आ जाएगा, कैसे इसको समझना है वो पता चल जाएगा, क्या बोल क्या रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अभी तो हमें केवल सुनने से पता नहीं चलेगा, एक बार बात कर लेते हैं फिर हम डायग्राम बनाएंगे। अभी दर्शक के सामने वस्तु को रखना है एफ और टू एफ के बीच में, और उसका प्रतिबिंब पड़ेगा उल्टा और वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब वस्तु से बड़ा, वो प्रतिबिंब जाएगा अभिनेत्र लेंस के सामने। तो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और ये जो वस्तु होगी ये इसको मूवेबल होता है, खिसकाया जा सकता है इस लेंस को, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ये इसके प्रकाशी केंद्र और फोकस दूरी, फोकस बिंदु के एफ के मध्य हो। और ये जो सिद्धांत है वही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। इसके बाद का उसमें हम ये लिखते हैं कि जब C और F के मध्य वस्तु स्थित है तो सीधा आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब, सीधा आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो इसका प्राप्त होता है। अब देखो, एक तो पहले तो इससे बढ़ गया प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का, फिर इस ये बढ़ाएगा प्रतिबिंब, तो कुछ तो इसने बड़ा कर दिया और फिर कुछ और इसने और बड़ा कर दिया, तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो जिनको नॉर्मल सामान्य आंख से जिन वस्तुओं को, जिन कणों को देख नहीं पाते हैं, उनको भी इसके द्वारा हम देख सकते हैं। सरल सूक्ष्म दृष्टि से हम वही देखते हैं जो हमें वैसे भी दिख रहा है, लेकिन हमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पहचान रहे हैं। जैसे मीटर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये लाइन है, ये हमें दिख रही है, हम पढ़ लेते हैं इनको, लेकिन उससे और क्लियर हो जाता है। घड़ी का सामान है, बारीक बारीक पिन रहती है अंदर, तो वो दिख रही है दुकान वाले को, उसको दिख रही है ठीक करने वाले को, लेकिन फिर भी वो लगाता है तो और बड़ी दिखती है, तो उसको सारी चीज क्लियर समझ में आ जाती है। लेकिन इससे क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से उनको भी देख सकते हैं जिनको हम वैसे हमें दिखाई नहीं दे रहे पार्टिकल एयर में कैसे है, लेकिन जब हम उसके नीचे रखेंगे स्लाइड में लगा के, तो हमें वो पार्टिकल भी दिखाई देंगे जो सामान्य से हम आंख से नहीं देख पाते, बाद में ये लेंस, ये सूक्ष्मदर्शी यूज करने के बाद देख सकते हैं। तो दो बातें हैं इसके अंदर, दो लेंस है तो दो बार वस्तु होगी, दो बार प्रतिबिंब होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो वस्तु प्रतिबिंब इसके लिए यूज करेंगे उसमें ओ लगा देंगे, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी वी, और क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे, वी ओ लगा दिया तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब है, वी अगर यू ओ लगा दिया तो यू तो वस्तु की दूरी है, लेकिन ओ लगा दिया तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, ठीक है, इनके सिंबल्स। और जब आईपीस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए बात करेंगे तो यू ई लगा दिया, इसका मतलब वस्तु है लेकिन किसके लिए है, आईपीस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। वी ई लगा दिया, प्रतिबिंब है लेकिन किसके लिए, इसके, क्योंकि दो गए ना तो कंफ्यूजन हो सकती है, होगी नहीं वैसे इतनी ज्यादा कोई विशेष, अगर इसको थोड़ा टुकड़ों में सही तरीके से समझा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। अब डायग्राम को जैसे मैं बनाऊं उसी प्रकार से आपको एग्जाम में उसी प्रकार से बनाने की तैयारी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके लिए क्या करते हैं, यहां बना देता हूं मैं, एक लेते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस की परिभाषा दो बार बता दी मैंने, क्या है, जिसके सामने वस्तु रखी जाती है, द्वार छोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है। इसके लिए प्रकाशीय केंद्र है सी वन, ये इसके लिए एफ है, ये इसके लिए टू एफ है। अब एफ तो दूसरा लेंस होगा अभिनेत्र, उसके लिए भी होगा, इसलिए इसमें क्या लगा दें, ओ लगा दें। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस, क्लियर, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस है। अब वस्तु को कहां रखना है, एफ और टू एफ के मध्य,
यहां से प्रकाश किरण जाएगी, लेंस है तो दोनों तरफ ही इसका फोकस बिंदु रहता है, तो ये भी क्या होगा एफ ओ होगा, यहां से प्रकाश किरण जाएगी ए, वस्तु यहां रखी है तो ये वस्तु की दूरी है u, लेकिन कौन से लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, इसलिए इसको क्या लिख देंगे u o। साथ साथ मैं बता देता हूं सारी चीजें आपको कि अब दूरी मापनी है तो कहां से मापनी है, हमें c से मापनी है। अब हमें क्या देखना है प्रकाश किरण की, दो लेंस आएंगे इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगी, तो सिस्टमेटिक समझेंगे तो दिक्कत भी आएगी। जब प्रकाश किरण इधर जा रही है, इधर जा रही है दिख रहे हैं हमें, हमें सी से चलना है तो हमें यू तक, यहां तक ए तक जाने के लिए, ए भी वस्तु है कोई, ए तक जाने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, तो हम प्रकाश किरण के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए यू को जब यूज करेंगे तो किस में यूज करेंगे, माइनस में यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहां से प्रकाश किरण जाएगी तो बिना मुड़े सी में से सीधी निकल जाती है और किसी बिंदु पर क्रॉस करेंगे, करेंगी जहां करेंगी वहां क्या बन जाता है प्रतिबिंब बन जाएगा, यहां बन गया प्रतिबिंब, जिसको क्या कहते हैं ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब किसके लिए है, अभी तो एक ही लेंस है, अभी दूसरा बढ़ाया नहीं हमने, इसलिए ऑब्जेक्ट लेंस है, इसलिए प्रतिबिंब किसके लिए है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। एक साथ मत बढ़ा दो दोनों, फिर कंफ्यूजन हो, इसीलिए आप इस तरह से बढ़ाओ, डायग्राम गलत भी नहीं होगा और मिटाने झंझट भी नहीं करना पड़ेगा कि आपने बना दिया छोटा और ये प्रकाश किरण तो लेंस के बाहर से निकल रही है, तो फिर कैसे होगा ये घटना, कैसे होगी अपवर्तन, इसलिए पहले ये यहां का बढ़ाओ, उसके बाद में जितनी जरूरत है उतना बड़ा लेंस बढ़ा दो, डायग्राम समझने के लिए। अब देखो यहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां, इसलिए ये किसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको किससे लिखेंगे बी से लिखेंगे, कौन से लेंस के लिए ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, इसलिए इसको क्या लिख देंगे बी ओ लिख देंगे, क्लियर। अब ये तो हो गया एक काम, अब देखो जब ये याद हो जाएगा तो कभी भी सिद्धांत याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की, इसको देख के लिखोगे वो सिद्धांत ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे वस्तु को ऑब्जेक्ट लेंस के सामने एफ और टू एफ के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का उल्टा है, वास्तव मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ऐसे नहीं आगे बढ़ा देंगे तो यहां जाके मिल सकती है, मिलते हुए दिख रही है बड़े, इसलिए कैसा है ये वास्तविक है और उल्टा है, वस्तु देखो ऊपर की तरफ है प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब है, बढ़ गया ये प्रतिबिंब, इसके लिए तो प्रतिबिंब का काम करेगा लेकिन अगले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, इसका मतलब ये प्रकाश किरण किसमें से जाएगी अगले लेंस में से, जानी चाहिए तो लेंस उतना बड़ा होना चाहिए, ये बन गया अभिनेत्र लेंस, इसको क्या कहते हैं आईपीस ई, इसके लिए ये प्रकाश के केंद्र हो गया C2। अब ये प्रकाश किरणें जब यहां पहुंचेंगी ही, तो इनका अपवर्तन होगा, अपवर्तन की बात मुड़ेंगी और इनको जहां से हम देखते हैं यहां से हम इनको देखते हैं, ये हमारा नेत्र, यहां से हम इसको देख रहे हैं। अब ये इधर देख रहे हैं तो देखो यहां इतनी दूरी है, आगे जैसे बढ़ रहे हैं दूरी और इंक्रीज हो गई और हो गई, बढ़ती रहेगी ये, तो आगे कभी नहीं मिलेंगी, तो कहां मिलेंगी इनको, अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का ये सिद्धांत था, यही हमें इसके अंदर आगे यही काम होने वाला। अब यहां मिल गई ये, तो यहां बढ़ गया प्रतिबिंब और यहां बना देते हैं ऐसे इसको, ये बन गया प्रतिबिंब, ये है ए डबल डैश और बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब बात आती है भाई, अब इसके लिए वस्तु कहाँ है, दूरी क्या है, प्रतिबिंब कहाँ है, वो दूरी क्या है, ये चीजें और समझनी है, ये समझ में आ गई तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, आवर्धन क्षमता निकालते हैं नेत्र से, इसका प्रतिबिंब का बनने वाला कोण बटे वस्तु का प्रतिबिंब से सॉरी नेत्र से बनने वाला बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा लंबटे आधार, टेन अल्फा लंबटे आधार, त्रिभुज से निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, यहां से देखें तो वस्तु का रखी है इस लेंस के लिए, अब इस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है तो ये जो तो प्रतिबिंब बढ़ता है ये इस प्रकार से आता है
कि इसके सी और इसके एफ के बीच में रहे, इसके सी और इसके सरल सूक्ष्मदर्शी, इसलिए मैंने कहा था भी आप पहले वो समझ लेंगे तो इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद काम शुरू होगा सरल सूक्ष्मदर्शी वाला। उसका सिद्धांत यही था कि कैसे बन रहा है प्रतिबिंब, ये तो वस्तु आ गई जो सी और एफ के बीच में है, तो इसका इसका जो फोकस बिंदु है वो थोड़ा आगे होगा, यहां होगा। ये मान लेते हैं एफ है, किसका एफ है, ई का, आई पीस का, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ई लिखेंगे। अब ये वस्तु है, ये किसके लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन किसके लिए क्या है, इसलिए वस्तु की दूरी है, मैं यहां बना रहा हूं, ये है वस्तु की दूरी, इसको लिखे हैं यू, और किसके लिए है, ई के लिए है, यहां से मापते हैं सी से, ये हो गई यू पी। प्रतिबिंब ये अंतिम प्रतिबिंब है, दो बार प्रतिबिंब बनने के बाद हमें जो दिखाई दे रहा है फाइनल प्रतिबिंब वो ये है, और वो कौन से लेंस से बन रहा है, आईपीएस से, अभिनेत्र लेंस से बन रहा है, ये है। तो ये कौन सी दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये है प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको क्या लिखेंगे, वी ई, और कहां से मापेंगे, सी से मापेंगे। अब देखो प्रकाश किरण किधर जा रही है, ये इधर आ रही है, इधर से फिर किधर जा रही है, इधर जा रही है, आंख में जा रही है, तभी प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, यहां इधर जा रही है प्रकाश किरण, हमें कहां से चलना है, सी से, लेकिन कौन से सी से, जिसके बात हम कर रहे हैं, अब हम अभिनेत्र लेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको मिक्स नहीं करना, इसका काम खत्म हो गया, अब इधर ही बात कर रहे हैं, इसलिए इस लेंस के सी से चलना है, सी से चलने के लिए वस्तु यहां रखी है, हम तो इधर आएंगे, और प्रकाश किरण किधर जा रही है, इधर जा रही है, हो गया ना विपरीत दिशा, इसलिए यू ई किस में लेंगे, माइनस। दूसरी बात, इसकी दूरी मापने के लिए यहां से चलेंगे, इधर आएंगे, प्रकाश किरण किधर जा रही है, उधर जा रही है, तो ये दूरी भी किस में लेंगे, माइनस में, और इसको इस प्रकार से रखते हैं कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो ये जो होती है अंतिम दूरी, ये देखने की स्पष्ट दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, इसलिए इसी को मिनिमम विजिबल डिस्टेंस, इसी को ही क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। लास्ट में जो बुक्स में फॉर्मूले में डी लिखा होता है, वो डी अलग से कुछ नहीं है, वी ई इज इक्वल टू डी है, इसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, इसलिए वी ई को ही क्या लिख देंगे, वी ई को ही डी लिख देंगे। ये है इसका डायग्राम, अब इनको हमें अप्लाई करना है। अब बात रही अल्फा और बीटा है कहां, तो अल्फा क्या होता है, वस्तु का नेत्र से बनने वाला कोण, बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब का नेत्र से बनने वाला कोण, ये रहा नेत्र, ये रहा प्रतिबिंब, ये बन गया कोण बीटा, और अल्फा कहां है। अब देखो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही जगह होनी चाहिए, तभी तुलना की जा सकती है, ये हमने बात करी थी किसने, सरल सूक्ष्मदर्शी में। अब वस्तु तो ये रही, अब अलग अलग जगह से मापेंगे तो उनकी ऊंचाइयां में हमें डिफरेंस दिखाई देगा, इसलिए हम इसको एक समांतर लाइन खींचकर, यहां इसके रेड से बना देता हूं, यहां से समांतर लाइन खींचकर यहां ये मान लेते हैं कि जितनी दूर ऊंचाई ये उतनी तो ये है, तुलना हो जाएगी, इसकी ऊंचाई ज्यादा है तो इसका कोण बड़ा हो जाएगा, उसका कोण छोटा हो जाएगा, इसलिए इस बिंदु को मान लेते हैं पी, और इसको भी कहां से, वहीं से लेना है हमें, तो इसको ऐसे बना देंगे, ये बन गया कोण, ये कोण जो है वो क्या है, वो है अल्फा, इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्यू, ये बन गया डायग्राम, और जो कुछ भी है वो सब कुछ इस डायग्राम के अंदर है, इसलिए इसको आपको समझना है। अब बात बताता हूं दोबारा सिद्धांत की, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लिखिए, उसके लिए आवश्यक किरण चित्र बनाइए, तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये तीन बातें पूछे हैं, एक नंबर का सिद्धांत, एक नंबर का चित्र, दो नंबर का आवर्धन क्षमता का सूत्र डेरिवेशन कैलकुलेशन। तो तीन बातें, एक प्लस दो में लिखा होगा और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा। अब हमें सिद्धांत बता रहा है, जो प्रोसेस हुई है वो हमें लिखनी है, वही सिद्धांत है अलग से। तो पहले तुम डायग्राम बना लो, ऊपरी जगह छोड़ दो, या डायग्राम बना लो पहले, नीचे सिद्धांत लिख दो, बाद में लिख दो सिद्धांत, उसका कोई इशू नहीं है, पहले डायग्राम बना लो। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चला है
कि जब वस्तु को अभिनेत्र लेंस के, अच्छा ध्यान से सुन लें और फिर इसको लिख भी लें आप बाद में, जब वस्तु को अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्ट लेंस के सामने एफ और टू एफ के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा आवर्धित, तीन बार बताने हैं, वास्तविक उल्टा आवर्धित प्रतिबिंब दूसरी ओर लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होता है, उधर वस्तु रखिए लेंस के दूसरी ओर प्राप्त होता है जो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अभिनेत्र लेंस के लिए यह वस्तु उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित होती है जिसका अंतिम प्रतिबिंब सीधा, सीधा ना उल्टा नहीं है ये, इसके लिए सीधा है, सीधा का मतलब क्या होता है इधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है तो सीधा होता है, अब वस्तु इधर ही तो है इसके लिए तो इधर ही है वस्तु और इसके लिए प्रतिबिंब भी इधर है तो जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित और आभासी है, वास्तव में नहीं मिल रहा, वास्तव में तो प्रकाश में इधर जा रही, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये है इसका सिद्धांत। अब बात आती है आवर्धन क्षमता की, तो आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, अब देखो इतनी जो जगह बची है अपने पास बोर्ड में ये और ये, इसका हम यूज करेंगे तो थोड़ा सा आप समझ लेना डायग्राम को पहले अच्छी तरह से, फिर आप लिख लेना वरना थोड़ा ये पूरा बन जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मिटाने के बाद में हम कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी इसलिए इसका रहना जरूरी है, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो इसलिए मैं परिभाषा वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लो और फिर उसको लिख लेना। अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता क्या होती है, कोणों का अनुपात होता है किसका, प्रतिबिंब का और वस्तु का, बढ़ते किसके साथ है नेत्र के साथ, तो प्रतिबिंब का नेत्र के साथ बना कोण तथा वस्तु का नेत्र के साथ बने कोण का अनुपात उस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है, मैग्नीफाइंग पावर। अब इसको लिखते हैं एमपी से, अब यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं मैं आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं इसको एमपी, एमपी इज इक्वल टू क्या होते हैं, क्या प्रतिबिंब का बड़ा नेत्र से बड़ा कोण और वस्तु का नेत्र से बड़ा, तो इसको लिख देता हूं मैं डायरेक्ट बीटा अपॉन एल, इसको क्या लिख सकते हैं कोण छोटे होते हैं तो बीटा को टेन बीटा और एल्फा को टेन एल्फा, इसको दे देता हूं समीकरण नंबर एक। अब आपको दो मान निकालने हैं टेन एल्फा और टेन बीटा, अब देख लो इसमें टेन एल्फा का मान एल टेन बीटा क्या होता है लंबटे आधार, कहां से मिलेगा जिसमें त्रिभुज में एल्फा कोण है, एल्फा के सामने की भुजा लंब कौन सी ए डैश ए डबल डैश पी, ये आधार क्या हो गया ए डबल डैश से लेकर यहां तक ये आधार हो इसका, ये बन गया ना त्रिभुज, और बीटा कौन सी त्रिभुज में आ रहा है ये देखो जहां से दोनों लाइनें जा रही है और जहां तक जा रही है वही कौन है, ये तो हो गया लंब और ये लेके ये हो गया आधार, तो दोनों का आधार एक ही है, अभी तो तुलना हुई है आधार एक ही है इसलिए दोनों कट जाएंगे ठीक है, तो अपने को दो त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुज किससे ए डबल डैश पी क्यू से, क्या आया टेन एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या है ए डबल डैश पी और आधार क्या है ए डबल डैश क्यू, ए डबल डैश पी किसके बराबर है समांतर जाए तो ए बी के बराबर है, तो क्या आ गया टेन एल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डबल डैश क्यू ठीक है, ये मान हम इसमें रखेंगे, अभी टेन बीटा को और निकाल लेते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं टेन बीटा का मान, टेन बीटा इज इक्वल टू वही लंब बटे आधार कौन सी त्रिभुज से है टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश क्यू, त्रिभुज कौन सा है ए डबल डैश बी डबल डैश क्यू से, ये क्या देगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश क्यू, ये हो गया दोनों मान रख दो समीकरण नंबर एक में, समीकरण एक से क्या आएगा एम पी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश क्यू मल्टीप्लाई ए डबल डैश क्यू अपॉन ए बी, कट जाएगा ये वैल्यू आ गई एम पी इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, और वास्तव में देखें तो यही तो है
वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये, बीच की प्रोसेस तो हो रही है उसके अंदर, हम तो उसको समझ रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये वस्तु हमने यहां रखी है, दिख हमें ये है अंतिम प्रतिबिंब। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली हम जब लेंस के लिए पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, उसी को तो आवर्धन कहते हैं, आवर्धन ही आवर्धन क्षमता होती है, उसको ये आवर्धन क्षमता लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। अब इसको देखो, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट संबंध नहीं है कोई, लेकिन इसका इससे संबंध है क्योंकि ये इसका प्रतिबिंब है, इसका इससे संबंध है क्योंकि इसके लिए ये वस्तु है, ये बीच में कॉमन हो गए ना, तो इसके लिए तो प्रतिबिंब है और इसके लिए वस्तु है, इसलिए इसको हम कोरिलेट करने के लिए गुणा और भाग करेंगे। अतः MP इज इक्वल टू क्या देगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश गुणा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, कर दिया ए डैश बी डैश का गुणा कर दिया और ए डैश बी डैश का भाग कर दिया। अब देखो, अब इसके लिए देखें तो इसके लिए ए बी तो वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, तो क्या ना प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये इसका आवर्धन, क्लियर, और ए डबल डैश बी डबल डैश इसका प्रतिबिंब और ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ये वस्तु, तो ये बी क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये भी आवर्धन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एम ई लिख दें, एक को एम ओ लिख दें, तो एम पी इज इक्वल टू लिख दें, एम पी इज इक्वल टू एम ई गुणा एम ओ, समीकरण नंबर दे दे इसको दो। अब इस समीकरण दो में दोनों मान रखने हैं निकाल के दूरी के रूप में, जैसे लेंस में तो सरल सूक्ष्मदर्शी में रखे थे वैसे रखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब हमें रखना है दूरियां, अब पता है ना ए बी क्या है, ए बी ये रहा, देखो ए बी ये रहा, ये ना ए बी यहां रखा गया, यहां से माप रहे किसमें है, ये ध्यान रखना है किसमें है, माइनस में, तो इसको रखेंगे माइनस यू ओ, ये जो दूरी है, फिर ए डैश बी डैश ये रहा, ए डैश बी डैश यहां से किस लेंस के लिए माप रहे हैं, ठीक है, इस लेंस के लिए माप रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं, इसके लिए माप रहे हैं तो इधर से देख रहे हैं, जब इधर से देख रहे हैं तो वस्तु भी इधर, ये प्रतिबिंब भी इधर है और प्रकाश किरण भी इधर जा रही है, हम भी तो इधर ही जा रहे हैं यहां से मापने के लिए, तो किस में आएगा ये, प्लस में, तो ये तो किस में आएगा, यहां लगा रहा हूं, ये तो आएगा माइनस में, ये किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। जब इसके लिए बात करेंगे तो ए डैश बी डैश इधर है, प्रकाश किरण तो उधर गई, तो ये किस में, माइनस में, और ये किस में, ये भी माइनस में, क्योंकि इधर यहां से तो चलना है ना, सी से चलना है, इधर आएंगे और प्रकाश किरण उधर जाएंगे, आगे बात समझ रहे, ये इन सब की जगह हमें मान रखना, यू ओ वी ओ वी ई यू ई, बस जहां वी ई आएगा उसकी जगह हम डी रख सकते हैं, क्लियर, रख देंगे इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसी में खुद भी किया जा सकता है, फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो अपने पास दो आगे हैं, एम ओ इज इक्वल टू क्या है, एम ओ किसकी जगह लिखे हैं हमने, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहां पर ए बी क्या है, ए बी वो रही वस्तु की दूरी माइनस यू ओ, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस सॉरी प्लस वी ओ, दिखाई दे रहा भाई, दे रहे ठीक है, ये दोनों मान रखते हैं आप, तो एम ओ इज इक्वल टू क्या आ गया, वी ओ अपॉन माइनस यू, समीकरण नंबर दे दो उसको तीन, ये मान अपने को यहां रखना है, एम ओ का आ गया, अब निकालना है एम ई का, अंतिम प्रतिबिंब ये यहां बन रहे हैं, तो एम ई क्या है, तथा एम ई इज इक्वल टू क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश डी डैश, यहां हमें बताना है कि ए डैश बी डैश किसके बराबर है, अब देखो एम ई लगा दिया ना, ई से समझ लेना है कि अपने आई के एस की बात कर रहे हैं, तो इसी लेंस को देखना है, उसको नहीं देखना है, तो इसके लिए यू ई माइनस में है, तो माइनस यू ई, ए डबल डैश बी डबल डैश ये क्या है, माइनस वी ई, और इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी, डी क्या है, चाहे तो लिख ले ब्रैकेट में, डी क्या है, देखने स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, मिनिमम विजिबल डिस्टेंस,
फर्स्ट देखने की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी है। अब इसका मान भी आ रख दे तो एम ई इज इक्वल टू आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू माइनस यू ई अपॉन माइनस का डी, माइनस से माइनस कट गया तो यू ई अपॉन क्या आ गया डी। समीकरण नंबर दे इसको चार। अब देखो यहां लेंस लग रहे हैं तो लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे लेंस के लिए, तो लेंस सूत्र लगा देंगे। अब हमें पता है एम ई किसके बराबर है, यू ई अपॉन डी के बराबर है, तो लेंस सूत्र लगा के यू ई अपॉन डी प्राप्त करते हैं लेंस सूत्र से, और फिर दोनों मान जो है वो हम रख देंगे समीकरण नंबर दो में। क्या है, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, लेकिन एफ कौन सा, ये फोकस दूरी किसकी काम आएगी, आई पीस की काम आएगी अंतिम में, तो इसलिए इसको यूज किया। यू किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर। बी किसके बराबर है, माइनस बी या माइनस डी कह दे, ठीक है। तो ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है कि यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस यू ई। बी की जगह क्या रखोगे, माइनस डी रख सकते हो आप, तो यहां रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस अब माइनस यू ई ये माइनस डी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। अब देखो डी अब अपना क्या बनाना है, ये तो प्लस हो गया, ठीक है, यू ई अपॉन डी बनाना है, तो उसकी जगह हम एम ई लिखेंगे यू ई अपॉन डी। तो क्या करें, यू ई से गुणा कर दिया, डी तो आ ही रहा बाद में, ठीक है, यू ई से गुणा कर दे इसको, यहां हमने इसकी वैल्यू गलत कर दी, एक करेक्शन कर लेना आप इसमें। ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश है जो किसके बराबर है, माइनस वी के बराबर है, ये ध्यान रखना है इसको, इसको माइनस वी ई ऊपर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का मान क्या है, माइनस यू ई, तो वी ई का मान क्या है, डी है, तो डी माइनस से माइनस कट गया और डी अपॉन यू ई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने को क्या लाना है, डी अपॉन यू ई लाना है, डी अपॉन यू ई, तो D से गुणा करेंगे इसको, D से गुणा करेंगे, तो D से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा D अपॉन यू ई, माइनस माइनस तो कट ही गया, माइनस वन इज इक्वल टू D अपॉन एफ ई, पूरी समीकरण को गुणा करेंगे, चाहो तो ब्रैकेट लिख दो, क्या किया हमने, D से गुणा करने पर, तो ये D अपॉन यू ई आ गया इज इक्वल टू वन, इधर आगे प्लस हो जाएगा वन प्लस D अपॉन एफ ई, ये वैल्यू आ गया वन प्लस D अपॉन एफ ई। और D अपॉन यू ई किसके बराबर है, एम ई के बराबर है, ये ऊपर लिख रखा है D अपॉन यू ई जो है वो एम ई के बराबर है, तो याद रख देंगे एम ई इज इक्वल टू वन प्लस D अपॉन एफ ई, समीकरण नंबर पांच। तो ये तो आ गया एम ई का मान और समीकरण तीन में एम ओ का मान, और दोनों मान किसमें रख दे, समीकरण दो में, बस क्वेश्चन खत्म। तो समीकरण तीन में पांच का मान दो में रखने, तो रख देंगे क्या देगा, एम पी इज इक्वल टू एम ओ का मान रखें क्या है, वी ओ अपॉन माइनस यू ओ इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ये इसका सूत्र है। समीकरण नंबर छह क्या व्यक्त कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त हो गया है, जो व्यक्त कर रही है समीकरण छह। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चार नंबर मिलेंगे तो ऐसे थोड़े मिलेंगे, पूरा काम हमें करना पड़ेगा, डायग्राम भी बताना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी बतानी पड़ेगी, बड़े क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, बड़े क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनमें कंप्लीट डेरिवेशन कैलकुलेशन मैटर पूछा जाता है, थ्योरेटिकल मैटर नहीं आता है। अब देखो एग्जाम में कभी कभी जो ये फॉर्मूला दिया जाता है वो ये नहीं दिया जाता, यहां लिख देते हैं एल और यहां लिख देते हैं एफ ओ और वही दिया जाता है। अब वो आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। यहां तो ये लेंस है और यहां ये लेंस है, यानी ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आईपीस है, इनके बीच की जो लंबाई होती है वो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, उसको सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कहते हैं, उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो उसके देखें तो उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तो ये हो गया, ये दूरी पता है हमें, इसके आगे की दूरी ये भी पता है हमें,
दूरी पता ना, या प्लस माइनस नहीं लेना अपने को, तो बीच की दूरी निकालनी है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, जोड़ दोनों को। इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जो किसके बराबर होगी? न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहां से काम आती है, ये बात ध्यान रखना। जब लंबाई की बात आ जाए तो कहां से आएगी? यू वी को और यू ई को जोड़ दो। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यहां लिख रहा हूं मैं, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जो नली की लंबाई होती है वही लंबाई, उसी को ही सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं, उसको नली की लंबाई कह दो चाहे, ठीक है। इसको कैपिटल एल से लिखते हैं, अगर कहे ना सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो वो यही है नली की लंबाई। तो इतना दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, ये भी कह सकते हैं दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो है वो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहलाती है, जो किसके बराबर है? जो बराबर है यहां से बी ओ के प्लस यू ई के। ये बात महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, ध्यान रखें। और क्वेश्चन आया भी हुआ बोर्ड में इससे संबंधित। अब बात आती है कि हमें इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, जब बहुत बहुत छोटी वस्तु होती है, उस स्थिति में वस्तु को क्या किया जाता है? फोकस बिंदु के पास रखा जाता है। किसके? फोकस बिंदु के पास, बिल्कुल पास, ठीक है। इसलिए जो डिफरेंस होता है बीच का, उसको न के बराबर मान लेते हैं, यानी उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते। इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई? वस्तु की, जैसे ए ए ए बी को यहां रखा गया, अगर मान लो यहां रखा गया है, तो इतने से अंतर को लेने की आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन में इसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो लगभग इसके पास ही है, तो यू ओ जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी? एफ ओ के बराबर हो जाएगी, फोकस दूरी के बराबर। समझ में आ गई बात, ध्यान रखें। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं यहां से। यदि क्या कंडीशन है, यदि वस्तु को कहां रखा गया है? वस्तु को, जो देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये फॉर्मूला नहीं दिया जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें दिया जाता है। नॉर्मल वे में ट्यूब की लंबाई अगर कहें, नली की लंबाई अगर कहें, सूक्ष्मदर्शी की अगर लंबाई कहें, तो वो क्या होती है? वी ओ और यू ओ ई का योग होती है सामान्यतः। ये स्पेशल केस है, यदि किसके, यदि वस्तु को एफ ओ के समीप रखा जाए, बिल्कुल समीप रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के, अभिनेत्र लेंस के बिल्कुल पास बनता है। अब देखो दो चीजें हैं यहां, एक तो जब इसको बिल्कुल इसके पास रख दिया तो इस माइनर डिफरेंस को छोड़ देते हैं कैलकुलेशन में, नेग्लिजिबल ले लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान कर छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? अतः पहली लाइन से तो ये बात आ गई कि एफ ओ के पास है, तो इसका मतलब यही तो हो गई वस्तु की दूरी, जो किसके बराबर हो गई? एफ ओ के। अतः यू ओ तो किसके बराबर हो गया? एफ ओ के। तथा समझ आ गई ना ये बात, इसके पास है इसलिए थोड़ी सी डिफरेंस को छोड़ देते हैं, एफ ओ जो है वो यू ओ के बराबर है। दूसरी बात, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है यहां, इसके पास, इसके पास बनता है। तो ये जो ए डैश बी डैश है वो खुद ही यहां आ जाएगा, ए डैश बी डैश, तो ये सारी दूरी किसके बराबर हो जाएगी? बी ओ के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? बी ओ के। तो इधर वाले जो यू ई थी, इसके लिए थोड़ी सी दूरी, इसको नगण्य मानकर छोड़ दें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नली की लंबाई या सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? एल जो है वो वी ओ के बराबर हो जाएगा, वी ओ के। यू ई को क्या मान लिया? नगण्य। ध्यान रखिए कंडीशन है कि जब ये यहां इसके पास होगा तो प्रतिबिंब इसके पास बनेगा, तो ये पूरी दूरी क्या हो गई? किसके रूप में आ गई? इस वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में आ गई पूरी दूरी। तब L जो है वो B O के बराबर हो गया, तब समीकरण 6 क्या हो जाएगी? अतः समीकरण
जैसे क्या होगा, MP इज इक्वल टू BO की जगह तो रखेंगे क्या L, BO की जगह क्या रखेंगे L, समझ रहा है ना कहां से आया, और UO की जगह क्या रखेंगे FO, तो इसको लिख देंगे माइनस F, ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं करना है समीकरण नंबर 7। और ये जो समीकरण है ये एग्जाम में दी जाती है कि ये सिद्ध करो, एग्जाम में ये दी जाती है, तो अपने कंफ्यूजन हो जाते हैं भाई एल कहां से आ गया, क्या कैसे आ गया, तो इस बात का अब ध्यान रखें, दोबारा इसको समझ लें अच्छी तरह से, प्रॉपर नोट्स बना लें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक इसको पढ़ लें अच्छी तरह से, रिवाइज कर लें, लिख लें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।